पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो गया है। वेस्ट इंडीज की टीम दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक एक विकेट पर 86 रन बना चुकी है। वेस्ट इंडीज के कप्तान क्रेग ब्रेथवेट और क्रिक मैकेंजी नबाद लौटे। दोस्तों, दूसरे टेस्ट का दूसरे दिन मैच का पूरा हाईलाइट बतलाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में से कौन सबसे बेहतरीन टेस्ट मैच में खेला है, अपने नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल वेस्ट इंडीज की टीम पहली पारी के आधार पर भारत से 352 रन पीछे है। कैरेबियन ओपनर तेग नारायण चंद्रपाल 95 गेंदों पर 33 रन बनाकर रविंद्र जडेजा का शिकार बने। रविंद्र जडेजा की गेंद पर अश्विन ने तेग नारायण चंद्रपाल का कैच पकड़ा। वेस्ट इंडीज के लिए ओपनर क्रेग ब्रेथवेट और चंद्रपाल ने पहले विकेट के लिए 71 रनों की पार्टनरशिप की। दोस्तों, इससे पहले टीम इंडिया की पहली पारी 438 रनों पर सिमटी। भारत के लिए विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा, जबकि रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और रविचंद्रन अश्विन ने 50 रनों का आंकड़ा पार किया। विराट कोहली ने 206 गेंदों पर 121 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके जड़े, जबकि अश्विन ने 78 गेंदों पर 56 रनों का अहम योगदान दिया। इससे पहले रोहित शर्मा ने 143 गेंदों पर 80 रन बनाए थे, जबकि टेस्ट डेब्यू में शतक जड़ने वाले यशस्वी जायसवाल ने 74 गेंदों पर 57 रनों की पारी खेली। अब दोस्तों, वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की बात करें तो केमर रोच और जोमेल वर्कर ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि जेसन होल्डर को 2 कामयाबी मिली। इसके अलावा सिरेन ग्रोवियल ने 1 विकेट में नाम किया। बहरहाल, भारत के 438 रनों के जवाब में कैरेबियन टीम 1 विकेट पर 86 रन बना चुकी है। भारतीय गेंदबाज मैच के तीसरे दिन जल्द से जल्द वेस्ट इंडीज की पारी को समेटना चाहेंगे, जबकि मेजबान टीमों की नजर बड़े स्कोर पर होगी। वेस्ट इंडीज की टीम पहली पारी में बड़े स्कोर तक पहुंचना चाहेगी। वहीं इस सीरीज की बात करें तो भारतीय टीम 1-0 से आगे है। भारत ने पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज को पारी और 141 रनों से हराया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस मैच के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने शानदार शतक बनाया। यह विराट कोहली के टेस्ट करियर का 29वां शतक है। पूर्व भारतीय कप्तान ने विदेशी सरजमीन पर टेस्ट मैचों में शतक के सूखे को खत्म किया। दरअसल, पिछले लंबे वक्त से विराट कोहली विदेशी सरजमीन पर टेस्ट मैचों में शतक का आंकड़ा पार नहीं कर पाए थे, लेकिन इस मैच में फैंस के इंतजार को खत्म किया। वहीं विराट कोहली शतक के बाद सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंडिंग में है। सोशल मीडिया फैंस लगातार अपने चहेते क्रिकेटर की तारीफ कर रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं दोस्तों? आप लोग बस इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।